और यार यहाँ पर कंपनियां क्या कर रही हैं, दिखा देती है फोन के बैक में तीन कैमरा दे दिए, चार कैमरा दे दिए, मतलब वही मैक्रो वही डेप्थ, यूजलेस, कोई काम ही नहीं है उनका। Nothing Phone 1 जो कि 12 जुलाई को भारत में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों आप सभी तो यार जानते हैं कि जितने भी फोन है ना आज के टाइम में, हम किसी भी कंपनी को ले लें यार, वही सब पुराने वाला ही सब सारा सामान होता है, बस चमका चमको के हमारे आगे फोन पेश कर देते हैं। फोन मतलब देखा जाए तो पूरी तरह से ना यार बोरिंग हो चुके हैं, वही मतलब मन ही नहीं करता सही बताऊँ फोन के लिए। लेकिन अब इसी चीज में एक रेवोल्यूशन लेकर आ रही है Nothing Phone 1। हो सकता है कि काफी नेक्स्ट लेवल चीजें हम इस Nothing Phone 1 के अंदर देखने को मिल जाए। और अगर मैं इसके बैक डिजाइन की बात करूं तो बैक का डिजाइन हो भाई सब देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। इसे मैं ट्रांसपेरेंट यानी मतलब मैं इसे सेमी ट्रांसपेरेंट कहना चाहूंगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें ना भाई सब ऐसा लग रहा है यार बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही है। जो ऊपर कैमरा के कटआउट है वो भी दिख रहे हैं, जो कि देखने में सही में भाई काफी ज्यादा यूनिक लग रहे हैं। और वहीं जो आपको एक कॉइल नजर आ रही है ना, वो मे बी वायरलेस चार्जिंग के लिए हो सकती है, जो कि नेक्स्ट लेवल बात है सही में। और अगर मैं यहां पर रेंडर्स की बात करूं तो डिस्प्ले के अंदर हमें 6.55 इंच की फुल HD+ OLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही दोस्तों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 आपको देखने को मिलेगा, जो कि Nothing OS पर बेस्ड होगा। और यकीन मानिए दोस्तों Nothing OS यानी कि एकदम क्लीन एक्सपीरियंस मिलेगा आपको, एज नियर एज स्टॉक एंड्रॉइड के हम कह सकते हैं उसको, जो कि सही में भाई जो UI लवर्स होते हैं ना, जिनको ब्लोटवेयर वगैरह नहीं चाहिए होते, उनके हिसाब से तो यहां पर काफी ज्यादा बढ़िया काम होने वाला है। साथ ही दोस्तों Nothing कंपनी यहां पर यह भी प्रॉमिस कर रही है कि वो 3 साल के OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स का प्रॉमिस कर रही है, जो कि सही में भाई साहब काफी अच्छी बात है। यानी कि यार 3 साल के OS अपडेट्स, एंड्रॉइड 12 तो मिल रहा है 13, 14, 15, और जो सिक्योरिटी अपडेट्स है वो भी 4 साल के, मतलब कि आप इसे फ्यूचर प्रूफ फोन भी कह सकते हैं। और अगर बात यहां पर की जाए चिपसेट की, तो इस स्मार्टफोन के अंदर हमें मिलेगा लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 5G चिपसेट, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा। और सही बता रहे हैं दोस्तों, गेमिंग डे टू डे परफॉर्मेंस तो आपको बढ़िया ही मिलेगी, लेकिन अगर मैं गेमिंग की बात करूं तो भाई साहब मक्खन गेमिंग कर पाएंगे आप इस चिपसेट के साथ में। और इस फोन के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जहां पर एक तो होगा हमारा मेन कैमरा, रूमर्स कह रहे हैं कि सोनी IMX766 आपको इसमें देखने को मिलेगा विद OIS, और जो दूसरा कैमरा है वो अल्ट्रा वाइड होगा, और साथ में हो सकता है कि वो मैक्रो का भी काम करे। ये इतना थोड़ी अच्छी बात लगी। और यार यहां पर कंपनियां क्या कर रही हैं, दिखा देती है फोन के बैक में तीन कैमरा दे दिए, चार कैमरा दे दिए, मतलब वही मैक्रो वही डेप्थ, यूजलेस, कोई काम ही नहीं है उनका। तो मतलब Nothing ने अपने आप को एक प्रीमियम रखते हुए ये काम किया कि भाई साहब फालतू जरूरत नहीं है हमें कैमरा दिखाने की, दो कैमरा दो भाई, जरूरी जरूरी बहुत है। और दोस्तों बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और वहीं अगर मैं बात करूं फ्रंट की, तो फोन के फ्रंट में रूमर्स के अकॉर्डिंग तो भाई साहब ये बताया जा रहा है कि 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, जिससे हम मैक्सिमम 1080 पिक्सल तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। और वहीं दोस्तों फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज भी देखने को मिलेगी, जो कि LPDDR5 RAM को सपोर्ट करेगी। और ये ना सही में यार ये भी काफी अच्छी बात है कि मतलब आपको लेटेस्ट रैम सपोर्ट और लेटेस्ट स्टोरेज सपोर्ट देखने को मिलेगा। और दोस्तों आपको बता दूं कि ये स्मार्टफोन अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक के साथ में आएगा, और जहां पर आपको स्पीकर्स के लिए स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट भी मिलेगा। और वहीं अगर बात की जाए 3.5mm जैक की, तो हमें इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और अब लास्ट में बात करते हैं दोस्तों Nothing Phone 1 की प्राइसिंग की, तो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग इंडियन मार्केट में बता रहे हैं कि 30,000 से 35,000 रुपए के करीब करीब आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई डेफिनेटली एक काफी अच्छा फोन रहने वाला है इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है Nothing Phone 1 के बारे में, क्योंकि यार इसकी ओवर हाइप, मतलब हाइप यार इतनी नेक्स्ट लेवल इन्होंने कर दी है ना कि पता नहीं यार क्या, मेरे ख्याल से एप्पल से भी ज्यादा हाइप चलती है इस समय Nothing की। बाकी दोस्तों आप क्या सोचते हैं इस बारे में, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। और साथ ही ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल गैजेट पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।